आज से कई साल बाद की बात है। जिंदगी मसलों से भरी पड़ी है। जहाँ जाओ दुनिया में मसले ही मसले, हवा में, खला में, समंदर की सतह में, खाने पीने की अशिया में, और फिर जाहिर है बैतुल खला में। दुनिया एक अजीब मोड़ पे खड़ी है। हर कोई दूसरे को कुत्ता साबित करने पे तुला हुआ है। एक कहता है वो कुत्ता, एक कहता है ये कुत्ता, मगर कुछ लोग हैं जो दूसरों के मुंह पे कहते हैं तू कुत्ता। इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं और दरअसल कौन कुत्ता है, इसके कई जवाब मुख्तलिफ आवाज़ों की सूरत में गूंज रहे हैं। यार पाकिस्तानी चूतियाँ, नहीं यार इंडियंस, नहीं ब्रो अमेरिकन्स, ना 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 जर्मन्स, नहीं यार ये ब्रिटिशंस, नहीं काले ब्रो, नहीं ये गोरे ब्रो, ना मजहबी लोग ब्रो, आजाद ख्याल लोग, फिल्मों वाले, मॉडलें, मेकअप वाली बाजियां, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, दर्जी, मर्द, औरत, खुसरे, अमीर गरीब, बादनसीब, बादतमीज, वकील, फौजी, सिविलियन, पुलिस वाले, पापड़ वाले, पीर फकीर, मीडिया वाले, डिलीवरी वाले, राइडर, टैक्सी वाले, अंकल, इंजीनियर, किसान, तरखान, भाईजान, भाभीजान, ये सूबे वाले, इस शहर वाले, उस मुल्क वाले, उस बरे आजम वाले, ताने मारने वाले, आपके अपने साले पॉलिटिकल पार्टियों के जियाले। एक हुजूम है बेहंगम आवाज़ों का। अब क्योंकि कुछ लोगों में मसला है और उनकी वजह से पूरी दुनिया पद प्रोग्राम बनी खड़ी है, सो एक मशहूर एजेंसी ने इन सब ओपिनियंस पे तहकीक करने का बेड़ा उठाया। आइए इनकी तहकीक देखते हैं। यार ये इतनी ये जो बकवास देखी हमने, इसे साबित क्या होता है? सर रिसर्च करना पड़ेगी। ओके करो। रिसर्च हो गई है। हाँ जी शुरू करें। सर हमें पता लगा है जो फलां शैम्पू यूज करते हैं उनकी ये राय है, जो ये वाली सफाई खाते हैं कुछ ऐसे होते हैं। ओके सर जो सिर्फ जुम्मे के दिन टोपी कराते हैं वो कुछ ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, जिनका छोटा होता है उनकी ये टेंडेंसीज हैं। सर जिनका बड़ा होता है उनके ये इम्बैलेंसेस हैं। सर जिनके बड़े होते हैं वो ये सोचती हैं। सर जिनके छोटे होते हैं वो ये करती हैं। अच्छा सर हरामी लोग बच्चों के बाद ये तब्दीली लाते हैं अपने अंदर। डिनोमिनेटर क्या है इसका कॉमन बताएं। सर 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 इन्हें भी पकड़ दो कुत्ती नु। है कौन? इंटर्न है। पट्टा ले आओ। पत्ता ते लगे हुण पोंक बनया होंगे पोंक। सर इनका कॉमन डिनोमिनेटर एक है। सर द कॉमन डिनोमिनेटर इज क्या क्या पानी पी लूं? किस यूनिवर्सिटी से? सर ड्रॉप आउट है, आजकल फैशन चल रहा है, हमने भी एक्सेप्टेंस और डाइवर्सिटी का नारा बजाया है। क्या ये सर ये सर क्या ये सर डिनोमिनेटर बताऊं? हाँ जी बताएं। सर द कॉमन डिनोमिनेटर इज ह्यूमन बीइंग्स। क्या 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 तेरे कैजुअल सेक्स वाले बॉय की ना दोस्त हूँ मैं, मेरी सिफारिश पाई है तो इधर टट्टी सेक्स और रोटी तीनों मुफ्ते बंद करा दूंगी, खुल के बॉक। सर मेरे ख्याल में इन सब में कॉमन डिनोमिनेटर इंसान है, इनके बेपनाह चुतियाप है, गुस्ल खानों में गंदी तस्वीरें बनाना, बसों में नंबर लिखना, जानवर पालना, फिर अपनी आसानी के लिए उनका नेचुरल साइकिल तोड़कर उन्हें खसी कराना, प्लास्टिक को अपनी माँ बनाना, फिर कैंसर अवेयरनेस कैंपेन चलाना, मजीद प्लास्टिक बनाना, अपना खालीपन दूर करने के लिए प्यार मोहब्बत, और फिर नतीजे में बच्चे पैदा करना, अपने खौफ और उदासी को उनमें ठूसना, और फिर उनसे दुनिया में बेस्ट अचीव करने की एक्सपेक्टेशन लगाना, पब्लिक में आगना, ऑल्दो वो नेचुरल है पर बहस तलब बात है, दरख्त वट देना, फिर उनसे एक टेबल बनाना, फिर एक झूला बनाना, टेबल से छाले लगवा कर उस उदास झूले पर अपने खसी कुत्ते बिल्ले चढ़ाना, उनकी स्टोरी बनाना, इंस्टा पे लगाना, 40 मिनट नहाना, अन्ने वाह पानी बहाना, फिर भी बदबू छुपाने के लिए 2 ढ्यू और 1 परफ्यूम लगाना, और इस हरामपने के बाद अपना फोन उठाना और क्लाइमेट चेंज पे पोस्ट लगाना, डिप्रेसिंग कॉमिक मीम्स लगाना पर थेरेपी पे ना जाना, माँ के हाथ की रोटी खाना पर विमेन राइट्स के नारे लगाना, सादी सादी बुण मनाना, फिक्की फिक्की टूही आना, दिन रात हिलाना, पिछले यैण दोहराना, टट्टी टट्टी बातें सुनाना, लेंडी बहाने बनाना, नाजायज हॉर्न बजाना, चीलों को गोश्त खिलाना, गंडे तवीज कराना, जिन बुलाना वो आ जाए तो डर जाना, बम बनाना उसे चलाना, गया जमाना बहुत सुहाना, जो याद आऊं तो लौट आना। कदे तेरी तस्वीर मैं वेखा कदे मैं वेखा रावा, तू आवे ते आवण खुशियां पूरियां होवण चावा, माही मिले पालिया।
बावा दर्दा मैं ते अख ना खोला फेर विछड़ ना जावा यादा तेरिया यादा तेरिया यादा तेरिया मैनू यादा तेरिया हर वेले यादा मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है। अपना दर्द आखिर अपना होता है, लाख छुपाव छलक जाता है इन आंखों से और कभी अपनी राह बना लेता है इन लफ्जों से। ऐसे थोड़ी रहती दीपू मैं। फ्रूक 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 फारूक भाग गया और इंटर्न को पैनिक अटैक आ गया। इसी अफरा तफरी में किसी ने एजेंसी की रिसर्च को लीक कर दिया। नई रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि नीचो घटिया हरकतें वो वाही चीजें हैं जो बगैर डिस्क्रिमिनेशन के सब इंसान करते हैं। दुनिया में आधा यैन यही है कि कुछ लोग मानते नहीं है कि उन्होंने नीच और घटिया हरकत की है। कुछ लोग उन्हें मनाने निकलते हैं और खुद नीच और घटिया हरकत कर जाते हैं, फिर वो भी नहीं मानते। अपनी टट्टी साफ ना करना सब इंसानों का कॉमन ट्रेट है। तो क्या इस बात से ये इशारा किया जा रहा है कि इंसान ही फसाद की जड़ है? ऐसी नॉन इंक्लूसिव गुफ्तगू हर किस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसान अजीम है, अशरफुल मखलूकात है, वो सबसे अच्छा है। उसने इतने बड़े काम किए, महल बनाए, शहर जलाए, राइटर साइंटिस्ट कैद किए, लॉज बनाए, बम बनाए, कंप्यूटर बनाए, जहाज बनाए, सड़कों के जाल बिछाए, बड़े मजे आए, बड़े मजे आए, सेक्स डंजन्स, हारम्स, गुलामी, ढेर सारे बच्चे। पर बच्चे तो खुद भी इंसान नहीं होते। ओ सॉरी सर, ये कट कर दे, बच्चों को नहीं बताना कि वो इंसान है। सर सॉरी, सर सॉरी, आइंदा नहीं होगा। ओह सर, जाने देना, मैं कुछ ही को करूंगी। उधर ये खबर चल रही थी और इधर इंटर्न होश में आ रही थी। एम्बुलेंस, जनता, भीड़ भाड़, बहन भाई, स्पेशलिस्ट इन सुलह सफाई और मरीज की चारपाई, सब कुछ पहुंच चुका था। वो सब हैरान परेशान इंटर्न को देख रहे थे। आप उन्हें देखें। ओए बच्ची, बेहोश होगी बच्ची, मीडिया आ गया है। क्या ये यूनिवर्सिटी की ड्रॉप आउट लड़की जो अपने बॉय के गम को दुनिया का गम समझ बैठी है? क्या ये कुछ ऐसा जानती है जो हम नहीं जानते? आइए इसे पूछते हैं। फ्रूक, बीबी, क्या मुद्दा है तुम्हारा? ये क्या तुम्हारी थ्योरी है? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे फ्रूक चाहिए। फ्रूक, हाय हाय, मेरी तीनों गश पैरे ने। भाईजान क्या होया इधर? मेरे बच्चे ने निके ड्यूटी का टाइम हो गया पूरा, ते मैं जाना है कार लवांगिक। सीधा सीधा पाओ। बता रही हूं मुझे बातें किसी ने बताई थी, मुझे अच्छी लगी, उसने तो कुछ करना नहीं था। मैंने कहा मैं ही कुछ कर लेती हूँ सोच का, मगर मैं फ्रूक को बुला नहीं पाई। तेनु ड्रिप लगाओ, तेनु फ्रूक नहीं बेटे, तेनु फ्रूट की जरूरत है। हाय मेरी थी भाई, मुझे भी देखने दे। एक मिनट बता, मुझसे भी लड़ने की थी? मुझसे भी बिस्तर में चिल करते हुए? हाँ वही तो मैं सोचूं। भाई मैंने भी देखना ही आया। और उसने खुद कुछ नहीं किया इन बातों का? नहीं 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 नहीं, और वो इन बातों के बाद ऑनलाइन गैजेट्स भी ऑर्डर करता था। अरे यार क्वीन होते सांबो। आजकल कुछ लोग 4 यूट्यूब वीडियोस देखकर ज्ञान झाड़ते हैं। पहले आप इम्प्रेस होते हो, फिर कंप्रेस, और फिर डिप्रेस, क्योंकि उस बॉय की बातें बातें होती, उसका कंफर्ट अब डिफाइन हो चुका है। वो अपना चुती आपके लिए तो नहीं छोड़ेगा एटलीस्ट। बाजी मैं चेन्नई से आई, आप अपनी काउंसलिंग अपनी गुत में चेपे, मेरा टाइम जाया हो रहा है। तो देखा नाज़रीन आपने, ये सब एक तमाशा था, एक अटेंशन सीकिंग स्टंट। पूरा दिन एक बेकार खबर पे जाया हुआ। अब मीम्स बनेंगी, लोग इस पे कंटेंट बनाएंगे, पोस्टिंग होगी, फनी वीडियोस, तब सरे। इन शॉर्ट, कॉम का वक्त जाया। पाकिस्तान की असल खबरें
कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो मौलवियों ने खुदा का अजाब बताया, रुपया नीचे आया और बेबी ने टैक्स बढ़ाया, डेमोक्रेसी का नारा लगाया और पॉलिटिशियन को टिक ना पाया। हमेशा की तरह आज भी यही हो रहा है, हमेशा की तरह आज भी यही हो रहा है। ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं। मीडिया ने ये न्यूज चलाई और सुबह एक ऑडियो लीक की खबर आई, और आज से कई साल बाद दूसरों को कुत्ता साबित करने की बेहंगम आवाजों में एक और आवाज का इजाफा हो गया। ओह सर, जाने देना, जाने देना, कुछ ही को करूंगी। दुनिया में आधा ही है